राजस्थान के धौलपुर सैपऊ थाना इलाके के उमरारा का पुरा गांव के पास सूचना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे एक कंटेनर को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सैपऊ थाना पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर गौवंश को मुक्त कराया। वहीं घटना के बाद आरोपी चालक और उसका एक सहयोगी मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी देते हुए बजरंग दल सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि बीते कई दिनों से धौलपुर से गौवंश से भरे ट्रकों की आगरा की ओर जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कल देर रात गौ रक्षा प्रमुख चंद्रप्रताप धाकरे के नेतृत्व में एक दल उमरारा का पुरा गांव के पास पहुंचा तो उन्हें एक कंटेनर संदिग्ध लगा, जिसके बाद उसको रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उसमें करीबन 28 गौवंश ठूस ठूस कर भरे हुए थे। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कंटेनर को बिजौली स्थित गौशाला पहुंचाया, जहां सभी गौवंश को मुक्त कराया और गौशाला में छोड़ा गया। गौ सेवकों द्वारा सूचना मिली थी, जो कि रोज गांव में ये पता कर रहे थे कि गौ तस्करी कहां से हो रही है। पक्की सूचना थी कि आज गौवंश को भरा जाएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता रात को 9 बजे से लेकर अब रात के 2 बज रहे हैं, उनको सफलता हासिल हुई है। ये आप ट्रक देख सकते हैं, पूरा कंटेनर है जिसमें 50 से 60 गायें भरी हुई हैं, गौवंश भरे हुए हैं, जिसमें नंदी महाराज भी हैं और गाय भी हैं। इसको यहाँ मौके पर पकड़ लिया है, पुलिस प्रशासन यहाँ आ चुका है, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। थोड़ा सा एरिया को लेकर डिफरेंस चल रहा है कि ये एरिया कहाँ पर आता है, सैपऊ में आ रहा है या फिर सदर थाने में आ रहा है। यहाँ से गाय को ले जाकर, गौवंश को ले जाकर गौशाला छोड़ा जाएगा और आगे भी हम ये कार्रवाई करते रहेंगे। गौ माता को हम कट्टी में नहीं जाने देंगे, ना कटने देंगे, ना भूखा मरने देंगे। आज रात्रि को कंटेनर में गाय भरी हुई थी जो उमरारे के गांव के हार में था, उसको पकड़ के लाए और गायों की जो गौशाला में छुड़वाई जा रही है और आगे की कार्रवाई जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।